सो गाइस अभी हम आए हुए हैं पटना साहिब वाले रास्ते में, जो कि भाई यहाँ का माहौल भाई बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर नॉर्मल दुकानें उकानें हैं, यहाँ पर टेम्पो स्टैंड हो जाती है। और भाई यहाँ से भी हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि जो काम वो हो गया है। और यहाँ से होते हुए अभी हम लोग जस्ट मॉल की तरफ निकलने वाले हैं, क्योंकि भाई टाइम वैसे भी हो गई है। तो भाई पटना जंक्शन इतना याद रहता है कि पूछो मत। पटना साहिब आने के बाद भाई लुक अलग लगा, और यहाँ बहुत टाइम हो गई है, और यहाँ से भी निकलना चाहिए क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं। भाई जो काम था वो काम हो गया है, कुछ मॉल का काम था। सो फाइनली अभी घर की तरफ निकलते हैं यार, डेली बोलने की आदत हो गया यार, घर की तरफ नहीं मतलब मॉल की तरफ निकलते हैं। वैसे भी छुट्टी रात को होने वाली है, सो निकलते हैं मॉल की तरफ, क्योंकि टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जब काम ख़त्म ही हो गया है तो समय पे घर पे पहुंच जाते हैं। सो निकलते हैं अपने मॉल के रास्ते, सो चलिए चलते हैं। तो भाई आज फिर कंकड़बाग वाले रास्ते से आज हम निकल रहे हैं, और आज फिर भाई पेट्रोल पंप से तेल भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि तेल भाई भरवाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज पटना साहिब से आने के बाद भाई आज तेल ख़त्म हो गई है, सो तेल डलवाना बहुत ज़रूरी था। और भाई आज थोड़ी आंधी तूफान भी चल रही है, मतलब आज रोड भी खाली है, देख सकते हैं नॉर्मली रोड भाई आज तो खाली है। सो सरकारी वालों को शायद छुट्टी रहती होगी, इसलिए आज ज़्यादा गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही है। तो निकलते हैं अपने घर की तरफ कंकड़बाग से स्टेशन से होते हुए। सो आज शॉर्टकट देखेंगे और निकलते हैं। और भाई आज स्पेशली कुछ और भी बात करेंगे घर पे जाकर। तो भाई सुबह से शाम तक इधर उधर दौड़ते भागते भाई बहुत थकावट हो गई है, और भाई अभी रूम पर आ चुका हूँ, और रूम पर भाई सोने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा शाम को नींद आने लग जाती है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ आज मुझे सही में खटक गई थोड़ी सी बात, और वो बात ये है कि भाई वीडियो जो भी मतलब ब्लॉगर लोग डालते हैं, या ये सब वो सब जो लिखते हैं थंबनेल में कि 10 मिनट में 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 1 घंटे में भाई 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता कि होता है, ये सब मतलब होने जाने वाला कुछ है नहीं, मतलब भाई सब फेक वीडियो बनाता है कि मतलब 10 मिनट में भाई इतना सब्सक्राइबर बढ़ा लो, 1000 में इतना सब्सक्राइबर बढ़ा लो। और भाई आजकल तो ट्रेंड भी चल गया है एक चीज़ का कि 4000 रुपये या 6000 रुपये दो और अपना सब्सक्राइबर गेन करवा लो और व्यूअर गेन करवा लो। वो भाई मोनेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद भाई वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि भाई आप अपने मेहनत से भाई वीडियो बना रहे हो और अपने मेहनत की वीडियो डाल रहे हो, अगर उसमें आपके भाई 10-20 व्यू भी आ रहे हो तो बहुत है, मतलब कम से कम 10-20 आदमी मतलब टच तो कर रहे हैं आपकी वीडियो को। और भाई अगर उससे ज़्यादा आपके व्यू आ रहे हैं तो भाई कम से कम खुद का वीडियो मतलब कि एक तरह से भाई मतलब एक तरह से लगता है कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं, मतलब ये नहीं कि नहीं होता है, 10 मिनट में कोई 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता है भाई, मतलब बुद्धि लगा लगा के अपना सब बढ़ाते रहता है, मतलब जो क्रिएटर जो नए लोग हैं वो तो भाई देखेंगे कि हाँ मतलब कि हाँ भाई देख लेते हैं 10 मिनट में क्या सब्सक्राइब बढ़ता है, 1 घंटे में क्या सब्सक्राइब बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता कुछ नहीं, बस इसी पर व्यू वो लोग भी खींचते रहते हैं, मतलब नए नए क्रिएटर को और नए नए ब्लॉगर लोग को सबको मतलब कि क्या बोलते हैं मतलब अपना व्यू के चक्कर में बस सबको पगलाए हुए रहते हैं। अब पागलपन के मतलब कि समझो तो भाई देखने भी लगता है सब, क्या करोगे, व्यू भाग नहीं रहा तो देखना ही पड़ेगा, ये हैशटैग लगाओ वो हैशटैग लगाओ, मेरी वीडियो में जाके देखो भाई मैंने कितना हैशटैग यूज किया है, मतलब हैशटैग बिहार, हैशटैग पटना, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल, हैशटैग वायरल वीडियो, हैशटैग ट्रैवल वीडियो, हैशटैग ट्रैवल, मतलब हैशटैग भाई इतने कूट कूट के डाले हुए हैं कि भाई पूछो मत, कुछ नहीं होता है, मतलब सब फेक है, हम जान रहे हैं, जो होगा अपना मेहनत की बदौलत होगा, ऐसे कुछ होने होने वाला नहीं है, देखते हैं जब होगा वायरल होना होगा होगा ही, ऐसे भी धीरे धीरे करके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो शायद बढ़ जाए। और भाई मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। सो ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात है नहीं, और क्या बोले, बस यही बोलना था कि मतलब कि जो भी ब्लॉगर लोग होते हैं, मतलब जो भी फेमस, जो भी टेक्निकल करके कुछ जो भी होते हैं भाई, मैं मतलब उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, नाम लेने का मतलब भाई उन लोगों का भाई क्या इज्जत, मतलब कि
ही करूँ, छोड़ो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये बात सच है, जो पहले से वायरल है उनके तो भाई, वो रोड के कुत्ते का भी वीडियो डालेंगे तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। कैरी मिनाटे ने एक गधे का वीडियो डाला था टिकटॉक पे, कितना वायरल हो गया था। लेकिन होता है, वायरल वायरल की बात है, पहले से वायरल है तो भाई वीडियो कुछ भी डालोगे तो वायरल तो होगा ही उनका। हम लोग का बस मेहनत थोड़ा करते रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई ऐसे होने वाला नहीं है।